हम अक्सर कुछ इस तरीके के सेंटेंसेस बोलते हैं और सुनते हैं, जैसे कि ये ऑपरेशन तो उस डॉक्टर के लिए बाएं हाथ का खेल है, फर्स्ट पोजीशन हासिल करना कोई आसान बात नहीं है, यहाँ से जंप मारना ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, बाइक एक व्हील पे चलाना ये तो मेरे लिए बहुत आसान है। आपने देखा, बहुत आसान काम है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, या तो बाएं हाथ का खेल है, इन सब सेंटेंसेस में ये कॉमन है। वैसे तो इन सब सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन अगर आप अपनी इंग्लिश को थोड़ा सा एडवांस करना चाहते हैं और थोड़ा सा इफेक्टिव करना चाहते हैं तो आप एक इडियम यूज कर सकते हैं। ये इडियम है आप पीस ऑफ केक, ठीक है। ये इडियम बहुत यूज होता है और आप इसे अपनी डेली रूटीन में भी यूज कर सकते हैं। तो चले अब कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं ताकि आप इस इडियम को सही तरीके से यूज कर सकें। असल में तुम्हें हर चीज आसान लगती है। एक्चुअली यू थिंक एवरीथिंग इज अ पीस ऑफ केक। यहां से जंप मारना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। जंप फ्रॉम हियर इट इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। फर्स्ट पोजीशन हासिल करना कोई आसान बात नहीं है। गेटिंग फर्स्ट पोजीशन इज नॉट अ पीस ऑफ केक। बाइक एक व्हील पे चलाना ये तो मेरे लिए बहुत आसान है। Ride a bike on one wheel, it is a piece of cake for me. Computer hack करना ये तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। अगर आप लड़के की बात करें तो आप बोलेंगे hacking computer is a piece of cake for him, और अगर लड़की की तो आप बोलेंगे hacking computer is a piece of cake for her. ये operation तो उस doctor के लिए बाएं हाथ का खेल है। This operation is a piece of cake for that doctor. उसको समझाना कोई आसान काम नहीं है। टू मेक हिम अंडरस्टैंड इट इज नॉट अ पीस ऑफ केक। पाकिस्तान से जंग करना कोई आसान बात नहीं है। वॉर विद पाकिस्तान इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। अब आपकी बारी है, आपने इसी टॉपिक से रिलेटेड कोई सेंटेंस कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है।